हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर एस एस चौहान एंड यू आर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चौहान मैथ्स। इन दिस वीडियो वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन जी मेन 2019। द क्वेश्चन इज ऑन सर्कल एंड यू कैन सी द क्वेश्चन। द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, वेयर एन इज नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, मेक्स इंटरसेप्ट्स विद द सर्कल। ये जो सर्कल आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इस सर्कल का सेंटर 0, 0, ओ और ए स्क्वायर 16, तो इसकी रेडियस 4 है। तो रेडियस 4 और सेंटर ओरिजिन का ये सर्कल हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया, इसकी रेडियस 4 है। अभी हम रेडियस भी यहाँ ड्रा कर देंगे। अब एक ये फिर रीड करो यहाँ पर, द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। ये लाइन एक्चुअली ये सेट ऑफ लाइंस है, सैंपल के लिए हम वन लाइन ड्रा करेंगे। लाइन है एक्स प्लस वाई माइनस एन इक्वल टू 0। ये देखो लाइन इसे कट करती हुई हमने ड्रा कर दी। लाइन इज एक्स प्लस बाय माइनस एन इक्वल टू 0। ये लाइन सर्कल के साथ इंटरसेप्ट बना रही है। द लाइन मेक्स इंटरसेप्ट विद दिस सर्कल। ये कौन सा इंटरसेप्ट बना रही है? इस इंटरसेप्ट का नाम हम लोग ए बी रख सकते हैं। यही इंटरसेप्ट है, ये एक्चुअली एक सर्कल की कॉर्ड हुई। इंटरसेप्ट का मतलब ये कॉर्ड है सर्कल की। निकालना क्या है? देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल इंटरसेप्ट्स। ए बी इज वन ऑफ द इंटरसेप्ट्स। ऐसे सेवरल इंटरसेप्ट्स होंगे एन की वजह से, क्योंकि एन चेंजिंग है। एन कैन बी 1, एन कैन बी 2, 3, 4, एन चेंजिंग में है, एन फिक्स नहीं है। इस वजह से ये सिंगल इंटरसेप्ट ए बी इन्फिनिटली मैनी इंटरसेप्ट्स को डिनोट करता है। हमें क्या चाहिए? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल सच इंटरसेप्ट्स। सैंपल के लिए हम ए बी स्क्वायर निकालेंगे और फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल इंटरसेप्ट्स निकालने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम वन इंटरसेप्ट ए बी, जनरल इंटरसेप्ट ए बी निकालेंगे। उसके लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन कि ओ टू बी को ज्वाइन करें। ये रेडियस ऑफ सर्कल 4 है। ओ से परपेंडिकुलर ड्रा करें ए बी के ऊपर। ये परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रा करते हैं, ये कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट एम होगा। अब हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। ये राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो एम बी निकल आएगा। एम बी मीन्स हाफ कॉर्ड निकल आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। इस राइट ट्रायंगल पर कंसंट्रेट करें, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एम बी निकल जाएगा। तो उसके लिए हम पहले ओ एम निकालते हैं। ओ एम क्या होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ओ एम निकाल लो। रिप्लेस एक्स बाय 0, रिप्लेस वाई बाय 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, माइनस एन मॉड ऑफ दैट बाय अंडर द रूट कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दैट प्लस कोफिशेंट ऑफ वाई इज 1 स्क्वायर ऑफ दैट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला है। मॉड ऑफ माइनस एन, मॉड एन हो गया, बाय रूट 2 हो गया। एन नेचुरल नंबर, सो मॉड एन इज प्लस एन बाय रूट 2, क्योंकि एन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस तरह से हमने ओ एम अरेंज कर लिया। एम बी विल कम बाय पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज 16 एंड ओ एम स्क्वायर इज एन स्क्वायर बाय 2।
दिस इक्वल टू अंडर द रूट 32 माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और इसका डबल कर दूं तो कॉर्ड ए बी इंटरसेप्ट ए बी आ जाएगा। ये देखिए इंटरसेप्ट ऑफ ए बी, इंटरसेप्ट ए बी डबल ऑफ एम बी एंड दैट इज डबल ऑफ स्क्वायर रूट 32 माइनस एन स्क्वायर बाय 2। स्क्वायर रूट 2 इसे रूट 2 बना देगा और रूट 2 फिर 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हुए स्क्वायर रूट 64 माइनस 2n स्क्वायर। ये आपका इंटरसेप्ट तैयार हो गया। इस इंटरसेप्ट का को हम नेम दे देते हैं IN, nth इंटरसेप्ट, क्योंकि n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये सेवरल इंटरसेप्ट्स हैं। सो अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो ये आ जाएगा nth इंटरसेप्ट का स्क्वायर, जनरल इंटरसेप्ट का स्क्वायर, और वो हो जाएगा आपका 64 माइनस 2n स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, पुट n इक्वल टू 1, क्योंकि हमें निकालना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंटरसेप्ट्स, तो हम ऑल इंटरसेप्ट्स की सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आई वन स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी 62 आ गई है। इसी तरह आई टू स्क्वायर निकालो n इक्वल टू 2 पुट करके, तो आई टू स्क्वायर आएगा 64 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर। और कैलकुलेशन के बाद, माइनर सा कैलकुलेशन है के बाद, ये 56 बन रहा है, 64 माइनस 8। एन इक्वल टू 3 के लिए आई थ्री स्क्वायर तैयार हुआ, वो है 64 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर, 9 टू जा 18। और 64 माइनस 18 की कैलकुलेशन, 14 माइनस 8 6, 3 माइनस 1 2, 64 माइनस 18 5 माइनस 1 4, 46 हुआ। इसी तरह आई फोर स्क्वायर ट्राई किया जाए, दिस इज 64 माइनस 4 स्क्वायर 16 टू जा 32, और ये आपका 32 आ गया। आई फाइव स्क्वायर, एन की वैल्यू 5 डाल दीजिए, आई फाइव स्क्वायर यहीं से निकल रहे हैं सारे इस फार्मूले से, 64 माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर, सिक्सटी फोर माइनस 50 ये आपका 14। और आई सिक्स स्क्वायर ट्राई कर लो, आई सिक्स स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर क्या हो गया 36, ये आपका माइनस 8 आ गया। यहाँ से आगे अब पॉसिबल नहीं है, रिजेक्टेड, क्योंकि स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो रिजेक्टेड एज अनसुटेबल। यहीं आई फाइव स्क्वायर तक ऑल इंटरसेप्ट्स हो चुके हैं, अब इनको ऐड कर दो, ऐड टू गेट सम ऑफ ऑल द इंटरसेप्ट्स, सम ऑफ ऑल इंटरसेप्ट्स दैट इज 62 प्लस 56 प्लस 46 प्लस 32 प्लस 14। और ये कैलकुलेशन जब करोगे तो 210 ये इसका आंसर आ गया। और 210 कैन बी सीन एज ऑप्शन सी, आपको मैं दिखाता हूँ, 210 तक हो गया है, ऑप्शन सी यू कैन सी इन द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। तो वीडियो को आपने देख लिया, शायद समझ लिया, मैं थोड़ा धीरे धीरे और देखो शो कर देता हूँ। ये सारी कैलकुलेशन है, फुल कैलकुलेशन,
वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबा देना। और आपका रिस्पांस अच्छा लगा तो फिर हम और भी इस तरह के क्वेश्चंस का वीडियो डाल देंगे। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।